केला तू क्या कर लेगा? ओए बहुत सुन ले, नहीं 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 नहीं, ये मैं गलत फंस गया, ये नहीं फंसना मुझे, फंस गया यार मैं। वेलकम गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में वापस से हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल। एंड गाइस आज की वाली वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं नेदरराइट माइन करने यार। उससे पहले गाइस मेरे को आपसे एक छोटी सी बात करनी है। तो मेरे हैं 25 से एग्ज़ाम, सो इसलिए मैं यूट्यूब पे थोड़ा इनएक्टिव रहूँगा, बट एग्ज़ाम के टाइम में मैं आपको आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस शेड्यूल करके चला जाऊँगा। एंड वो जो मैं वीडियो शेड्यूल करूँगा वो इस चैनल पे नहीं आएगी, वो आएगी मेरे सेकंड चैनल पे, वो भी पूजा लॉन्चर की सर्वाइवल सीरीज वाली वीडियो है जो मैंने दूसरे चैनल पे स्टार्ट की हुई है। सो उसकी वीडियो आपको मिलेगी मेरे सेकंड चैनल पे। तो गाइस उस चैनल को भी आके सब्सक्राइब कर दो, वहाँ पर उसकी वीडियोज़ आया करेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में मैं ज़्यादा वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मैं देखो एग्ज़ाम में तो बिल्कुल नहीं कर सकता, अभी जो मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम है ना उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड करने का। तो चलो गाइस एनीवे स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, इस एक और चीज़, मैंने जो वर्ल्ड का डाउनलोडिंग कहा था यार, थैंक यू सो मच फॉर इतना ज़्यादा सपोर्ट यार। उस वीडियो पे मैंने आपको सिर्फ 10 लाइक करने को कहा था, आपने उस पर जब मैं 90 लाइक कर दिए, मतलब 80 से भी ऊपर लाइक कर दिए। एंड ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए गाइस आपको ना दोनों एपिसोड के अपडेट के बाद वाला लिंक मिल जाएगा, एक तो एलाइट्रा ढूंढने के बाद और एक जो मैं अभी नेदरराइट वगैरह इस टाइम ढूंढूंगा उसके बाद वाला भी मिल जाएगा लिंक, ठीक है। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो यार मैं ना हम याद करूँ लास्ट टाइम हमें एलाइट्रा मिला था, तो इसलिए सबसे पहले तो हमें चाहिए, मैंने इस एलाइट्रा पे मंडिंग एंड अनब्रेकिंग 3 लगाने वाला हूँ, तो इसके लिए हम थोड़े से एमरल ले लेते हैं। एंड दो बुक चाहिए, वाओ दो की दो ही अपने पास पूरी, ये मैं बाकी का सामान बाद में रखता हूँ, पहले तो सबसे पहले हम एलाइट्रा पे मेंडिंग एंड अनब्रेकिंग लगाते हैं। चलो एक्सपी इसमें कम जाएगी वही करेंगे, चाहे एक्सपी इतनी है पर फिर भी कंजूसी तो देखो करनी पड़ेगी ना। तो एलाइट्रा का भी मैं नाम नहीं चेंज कर रहा, ऐसी तैसी छोड़ो, अभी हम निकलते हैं एंड ये नेदर के लिए। अब देखो मेरा प्लान है कि हम बेड माइनिंग करेंगे या नॉर्मल करें यार, मैं बिल्कुल लगता तो क्या कि बेड वाली करनी चाहिए। पहले तो मैं ना यार इतना सारा सामान लेकर बैठा हूँ ना, ये रखो यार इतना कचरा सामान, अपनी एलाइट्रा तो लेकर जा रहा हूँ, मेरे को लगता नहीं एलाइट्रा की जरूरत पड़ेगी, पर ले गया मैं, क्या पता पड़ जाए अगर हमें कभी आना हो आने में कोई दिक्कत हो या मैं कोई दूसरी जगह माइनिंग करनी हो इस जगह की जगह। तो चलो अब सबसे पहले ना कोई बढ़िया सी माइनिंग के लिए जगह देखते हैं कहाँ कर सकता हूँ। गाइस मेरे को भी देखो पता क्या मिला, ये देखो, आपको याद है जब अगर जिन्होंने मेरा वो कमबैक वाला पार्ट देखा था पार्ट 8, जिसमें मैंने बताया था कि मेरा ये नेदर मेरे को लगा था रिसेट हो गया, नेदर रिसेट नहीं हुआ, ये देखो मैं उस जगह पर आ गया जहाँ मैंने बहुत पहले माइन करके ये दो अपने टूल्स बनाए थे, ये देखो मैं उसी पुरानी जगह पर आ गया वापस। मेरे को लगा था कि मेरा नेदर रीसेट हो गया क्योंकि मेरे को वो जगह कहीं दिख नहीं रही थी, पता नहीं वो कहाँ है जगह, बट एनीवे अपने को जगह मिल गई, ठीक है। जिनको अब शक था कि मैंने चीटिंग करी है, देखो मेरे को वो जगह मिल ही गई। लो चलो अभी अब करते हैं फाइनली, मैं 15 लेवल पर पहुँच चुका हूँ, यहाँ पर होपफुली कोई लावा वावा ना हो, ज़्यादा होगा आई मीन बट बहुत ज़्यादा ना हो होपफुली। ओके यहाँ से मैं कवर कर दिया मैंने, वाह और एंड कोई एंशिएंट डेब्रिस नहीं, ऑब्वियसली मेरे को अपनी किस्मत याद आनी चाहिए, मैं भी भाई नूबड़ा ही हूँ यार। चलो गाइस और ढूंढते हैं यार। ओके गाइस मेरे को ये मिल चुका है, देखो एक और एंशिएंट डेब्रिस, मतलब एक और क्या अभी अभी मिला, स्टार्टिंग ये भी हुई है मिलने से, मैं एक और पता नहीं से क्यों बोल रहा हूँ, दो एंशिएंट डेब्रिस मिले हैं। चलो माइन करते हैं इन्हें एक। ओके मेरे को एडवांसमेंट वापस मिलेगी क्योंकि मैंने इसका रीज़न पार्ट 8 में बता दिया, प्लीज़ मेरे को कमेंट में आके ना बोलने लग जाना कि नेदरराइट के टूल से माइनिंग किया फिर एडवांसमेंट मिल रही है, प्लीज़ मेरे को ऐसा बोल के परेशान ना करने लग जाना कमेंट में, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग होते हैं यार बोलने लग जाते हैं भाई कि तूने चीटिंग करी है, क्रिएटिव यूज़ किया है, मैंने इसका रीज़न पार्ट 8 में बता दिया माइनक्राफ्ट सर्वाइवल के, आप अगर आप लोग मेरी सर्वाइवल की प्लेलिस्ट देख लेना वहाँ पर आपको पार्ट 8 दिखेगा जिसमें मैं इसका रीज़न बता चुका हूँ क्यों है। ओके गाइस यार मैंने ना मेरे सारे बेड ख़त्म हो चुके हैं, तो अभी मेरा पता क्या प्लान है कि हम ना ऐसे माइनिंग करेंगे, वैसे तो मैं पहले कह रही थी कि हम और बेड ले आएंगे बट मेरे को लगता नहीं है कि बेड से इतना फ़ायदा होने वाला है, हम नॉर्मल मैन्युअली ऐसे माइनिंग कर लेंगे। तो देखते हैं यार अब हमें एंशिएंट डेब्रिस मिलेंगे या नहीं, वैसे मैंने चंक बॉर्डर वाली ट्रिक आई डोंट थिंक इतनी वर्क करती है क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई की है, लाइक अपने मतलब जब मैं खुद खेलता हूँ माइनक्राफ्ट तो उतनी तो वर्क नहीं करी इतने अच्छे से, बट मेरे को लगता है कि ऐसे ही फिर माइन करने का फ़ायदा है यार, बट क्या करें मेरे को लगता नहीं इतने जल्दी मिलेंगे क्योंकि जैसी मेरी किस्मत है। या तो मेरे पास एक आइडिया आ रहा है गाइस, काम करते हैं देखो मेरे को इस चीज़ का मैं पक्का श्योर नहीं हूँ, बट आपको पता है हमारे घर के पास एक बैशियन है, मतलब हमारे पोर्टल के पास, तो हम वहाँ पर जाएंगे
एंड वो वहाँ से लेके ना वो कर लेंगे, वहाँ पर हम जाके नेदरराइट इनको ढूंढते हैं, एंड साथ में एडवेंचर भी हो जाएगा। ठीक है, ये काम करते हैं। चलो अभी ऊपर चलना पड़ेगा उसके लिए हमें, देखते हैं। और ऊपर का मेरे को रास्ता, मैंने देखो वैसे तो मैंने काफ़ी वियर्ड सा रास्ता बनाया हुआ है, इसलिए मैं मेरे को पक्का श्योर नहीं है, बट देखते हैं। गाइज मैं ना अभी अभी यहाँ पर आ रहा था, मैं अपने पोर्टल का रास्ता ढूंढ रहा था, देखो मेरे को क्या मिला। ये देखो एंशियंट अभी कैसी जगह पर है यार, हद होगी भाई। ये देखना, ये मेरे को नहीं पता ये कौन सा, जो मैंने बहुत पहले माइन किया था या ये अब वाला कोई, मेरे को सही में नहीं पता। मेरे को अपने उस घर का रास्ता नहीं मिल रहा, मेरे को सही में कोई आइडिया नहीं कि मेरा रास्ता किधर है। ओके गाइस, मैं उड़ता उड़ता ये बैशियन के पास तो पहुंच गई, ये हमारे पोर्टल के बिल्कुल पास है, तो मैं ना अभी ऊपर जाने वाला हूँ। मेरा प्लान जो है, ओए रुक रुक रुक, नहीं 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 मरना नहीं, मरना नहीं है। ओ यार मैं ऊपर कैसे जाऊँ? ओके काफ़ी रिस्की है, मेरे को पता है। एक आए, ओए यहाँ से आ सकते हो ना प्लीज़ प्लीज़। अरे मरना नहीं बे, अगर मर गया ना बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा, क्योंकि ये है अभी तो ऐसी वियर्ड जगह पर यार। ओके इधर तो कुछ नहीं है भाई, तू है यार अकेला, तू क्या कर लेगा? ओए बहुत दम, नहीं 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 भाग लो भाग ले भाग, मैं फंस गया मैं फंस गया, नहीं 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 गलत फंस गया मैं, गलत फंस गया मैं, गलत फंस गया मैं, फंसा फंसा मरा मरा मरा, नहीं 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 वो भाई कहाँ फंस गया था मैं, उल्टे काम करा लो यार मेरे से। इधर किधर है भाई तू? यस इधर से मार सकता हूँ मैंने इजीली भाई, मैं फंस गया था यार, ऐसे नहीं फंसना मुझे। पागल पागल भाई, तीन है ये, कितने हैं यार ये? चलो इस अकेले को तो मैं मार दूंगा, अकेले का तो कुछ नहीं। किधर है यार ये? ओए इधर चेस्ट है, इसमें कुछ अच्छा सामान हो सकता है। आयरन है, नाइस ले लेते हैं। ये छोड़ दो पत्थर, ऑब्सीडियन भी ले लेते हैं, क्या पता इसकी कभी कब जरूरत पड़ जाए। एंड क्राइंग ऑब्सीडियन है, ले लेते हैं। मेरे को देखो कितनी एडवांसमेंट एक साथ ही मिल गई वे। एंड ये गोल्डन एप्पल है यार, इसे ये ले लो। सोल सैंड छोड़ दी मैंने, सोल सैंड सोल सॉइल जो भी थी वो। ओ भाई तो बढ़िया बैशियन है। ओके यहाँ से ये देखो, ये ना थोड़ा डेंजरस है, यहाँ पर देखो वो कितने सारे बंदे हैं, प्लीज़ उन्हें, वो बड़े डम है भाई, उनमें कोई दिमाग ही नहीं है। देख ना वहाँ खड़े हैं, मैं इधर हूँ उनके बिल्कुल मुंह पे, उन्हें कुछ पता ही नहीं, बड़े डम लोग हैं यार। एनीवे नीचे चले, नीचे चलते हैं यार, यहाँ से नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके नीचे चलो नीचे यार, मेरा मैं ना ऐसे डायरेक्ट नहीं कूदना चाहता, वो मार देंगे मुझे। इधर कूदते हैं। एंड अब मैं इन्हें मारूँ कैसे भाई, ये बहुत सारे हैं। एक तो यार इस एरो वाले को मारना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना मेरे को ऐसी जगहों से गिरा दे। देखना कैसे कितने सारे अलग अलग स्प्रेड से हुए पड़े हैं। मेरे पास एक प्लान है, मैं नीचे जाके ना अपनी शॉट से सबको धक्का दे दूँ एक बार में, करूँ प्लीज़ 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 प्लीज। ओके ओ भाई इतने यार, भाई बच गया। चलो ओए बहुत सारे, नहीं 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 ये मैं गलत फंस गया, ये नहीं फंसना मुझे, फंस गया यार मैं, नहीं फंसना नहीं मुझे, फंसना नहीं, नहीं 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 मेरे को फंसना नहीं यार, ऐसे फंसना नहीं भाई मुझे, फंस गया ना बहुत काम खराब हो जाएगा अपना। ओ नो मैं गलत फंस गया मैं, फंस रहा हूँ मैं इधर, नहीं 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 फंसना नहीं यार, फंसना नहीं फंस गया भाई, बहुत नुकसान हो जाएगा मेरे को। नो 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 नो, इन ब्रूटल वालों के साथ ही फंसना मुझे। अबे यार रहन देना ना मारे मैगमा क्यूब, इनका स्पॉनर तोड़ो सबसे पहले। चलो मैंने स्पॉनर तोड़ दिया कम से कम, अभी हमें वैसे नहीं परेशान करेंगे। ओ भाई मर जाओ यार, क्या दिक्कत है इनकी। इसमें है क्या क्या? डायमंड है भाई, डायमंड डायमंड डायमंड। ओ भाई इसमें चेस्ट प्लेट भी है, रुको मैं ये छोड़ो, दूसरी चेस्ट नहीं है क्या इसमें? मेरे को लगा दो चेस्टें होंगी, क्योंकि कुछ में ऐसे दो चेस्टें होती है। अबे यार ये मरते क्यों नहीं है इतने सारे भाई, इतने मैग्मा बड़े घटिया लगते हैं मुझे। सबसे पहले इनको मारो भाई, मैं मरते मरते बचाऊँ, उल्टे काम है भाई मेरे सारे, मैं बता तो रहा हूँ, उल्टे काम ही करता हूँ मैं, एक सीधा काम नहीं होता मेरे से। चलो कोई नहीं, एटलीस्ट हमें जिंदा हैं, मेन चीज़ गोल्ड भी है, ले लेते हैं। ओके ये क्या फेंक रहा हूँ मैं, सोल सॉइल फेंक दो, मेरे को नहीं चाहिए। चलो एंड गोल्डन ब्लॉक्स ले लेते हैं, ब्लॉक ऑफ गोल्ड, मैग्मा क्यूब नहीं चाहिए मेरे को, ये भी फेंक दो भाई, कितना सारा गोल्ड मिल जाता है ना वैसे यहाँ पर। चलो ये सारा गोल्ड ले लेते हैं, अब अपने को मिल रहा है फ्री का, क्यों मना करेंगे राइट। चलो निकलते हैं भाई यहाँ से, मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं नहीं रिस्क ले रहा इतना भाई, मरते मरते बचाऊँ मैं इतनी बार, वो भी दो तीन बार, बहुत रिस्की जगह है यार ये बैशियन। चाहे आर्मर जितना मर्जी भाई, मेरा फुल मैक्स आर्मर है, फिर भी ये इतना ज़्यादा डैमेज करते हैं, बट चलो कोई बात नहीं, अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, बिकॉज अब हमने इसे लूट तो लिया इन जगह को। देखो बैशियन चाहे लूटना जितना मर्जी हार्ड हो, पर ये भी तो देखो ना कि खेल कौन रहा है, गेम एक प्रो बंदा ये, मतलब मैं, हंसना बंद कर दो ठीक है, मुझे पता है लोग हंस रहे होंगे कि
मतलब उनसे उनका हंसना बंद नहीं हो पा रहा होगा ये लाइन सुनने के बाद कि मैं और प्रो हाँ हाँ ठीक है यार हंसना बंद करो यार गाइस, देखो हंसेगा कोई नहीं ठीक है। चलो ऊपर चलते हैं, इधर ओ इधर से रास्ता है क्या, ओ इधर से है तो यार रास्ता, मैं ऐसे ही परेशान हो रहा हूँ। ये एलाइट्रा लो, एलाइट्रा अभी यार इसमें ना एलाइट्रा ऐसे पहनना पड़ता है, तो मतलब हम जल्दी में फंस सकते हैं कहीं, तो यहाँ पर चलते हैं सीधा पोर्टल में। ओके पोर्टल में चलो यार फाइनली भाई, भाई मैं मरने वाले काम करता हूँ सारे, बट जैसे तैसे हम वापस जिंदा आ चुके हैं गाइस, तो चलो घर आ गए यार हम भाई फाइनली यार, देखो इतना बढ़िया घर हमारा। चलो गाइस हम जिंदा घर आ चुके हैं, वेलकम बैक टू होम यार। तो सबसे पहले मैं अपना सारा सामान रख देता हूँ जो अपने को बढ़िया बढ़िया सामान मिला है। ये है मेरे पास ब्लॉक ऑफ गोल्ड, चलो ठीक है, लेगिन वगैरह इतनी कुछ खास तो है नहीं है, आयरन रख दो, गोल्ड रख दो, एंशिएंट एब्रिस मेरे पास पहले। ओके मेरे पास रुको एक स्क्रैप पड़ा है ना, तो मैं मतलब एक ए, मतलब ना एक चीज़ को अपनी अपग्रेड कर सकता हूँ। वो कहाँ है मेरा, अरे फर्नेंस इतनी सारी पड़ी है और मैं बोल रहा हूँ कहाँ है। अच्छा इधर मेरे पास फूड भी पड़ा था ठीक है, एंशिएंट एब्रिस किधर है मेरा, तो मैं किधर फेंक आया है एंशिएंट एब्रिस, इधर फेंक दिया मैंने, अबे हूँ मैं नूबड़ा यार बताओ। इसमें और तो नहीं है ना कुछ काम की चीज़, सैंड है ये तो मेरे को नहीं चाहिए, कोई काम की चीज़ तो नहीं पड़ी इधर, फूड वगैरह ठीक है मेरे पास फूड पड़ा था इधर, फूड की तो अपने पास कोई दिक्कत नहीं, 38 ये हैं। एक काम करता हूँ मैं, जितना ये स्मेल टूर है मैं सोच रहा हूँ उनकी ब्रीडिंग कराता हूँ, क्योंकि मेरे को उनकी भी ज़रूरत पड़ती रहती है यार, तो सबसे इतना मैं उनकी ब्रीडिंग करा देता हूँ ना, क्योंकि वो भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट बंदे हैं सुअर वगैरह स्पेशली, इनकी यार ज़रूरत ही इतनी है यार, हमें क्या कर सकते हैं। कोई नहीं गाइस हम जो ये नेदरराइट आर्मर है ना जो हम आज नहीं बना पाए सैडली, वो हम अगले एपिसोड में बनाएंगे, क्योंकि आज तो चलो चलो हमने एटलीस्ट एक चीज़ तो बना ही ली ना। ओए नहीं यार ये बाहर मत जा प्लीज़, बाहर ना जा, इधर आ अंदर आ। ओके अब मैं ऐसे ही भाग जाऊँगा ऐसी तैसी, तुम्हारी लालची लोग यार। चलो अब हम अंदर चलते हैं एंड देखते अपना एक टूर को, मेरा प्लान है कि हम इसे बनाएंगे चेस्ट प्लेट को, ये बड़ी काम की चीज़ है। चलो अपने पास स्क्रैप तो बन गया एंड अपने पास अपने को चाहिए होगा यहाँ से 4 गोल्ड एंड यहाँ से हमें मिल गई नेदरराइट इनगोट एंड ये रही हमारी चेस्ट। अबे लैगिंग नहीं यार चेस्ट प्लेट, अबे लैग ये चेस्ट प्लेट यार, अगर हम एलाइट्रा को इनको ना कोई ऐसा ऑप्शन देना चाहिए अगर ये एलाइट्रा हो पाती है, बट चलो कोई नहीं। नेदरराइट की आज हमारे पास फाइनली एक चेस्ट प्लेट आ चुकी है, हाँ अभी सिर्फ चेस्ट प्लेट आई है पता है मुझे, कोई बात नहीं। एनीवे गाइस हम धीरे धीरे सारा सामान बना लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो गाइस आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना ही बहुत है, हमने चेस्ट प्लेट बना दी इस एपिसोड में, हम बैल्शियन में चले गए, बहुत मज़ा आ गया एंड गाइस। तो चलो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसने गाइस सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर देना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, एंड जिसने गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक भी कर देना यार, इस वीडियो पर 100 करोड़ लाइक करा दो, मुझे नहीं पता करा दो यार। एंड गाइस मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।